हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्वाड्रिलेटरल्स, ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड पुट देयर फिगर लेटर इन द करेक्ट कॉलम। देयर मे बी मोर देन वन लेटर इन अ कॉलम। तो अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है और हमें एक टेबल गिवन है, तो हमें क्या करना है, हर कॉलम के अंडर सूटेबल फिगर को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो फर्स्ट फिगर जैसे हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ओपन कर्व का। आपको देखना है यहाँ पे ओपन कर्व कौन से हैं। ओपन कर्व के फिगर्स को यहाँ पुट करेंगे। देन ओपन रेक्टिलिनियर फिगर, ओपन हो बट रेक्टिलिनियर हो। कंप्लीट क्लोज्ड फिगर, कंप्लीट क्लोज्ड फिगर हो। सिंपल क्लोज्ड फिगर और पॉलीगन। तो ऐसी फिगर्स को आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे उनको पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक पेंटागन गिवन है। तो ये कैसी है, ये क्लोज्ड फिगर है, ये सिंपल क्लोज्ड फिगर भी है और ये क्या है, ये एक पॉलीगन भी है। इसी तरीके से इसको देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर है। ऐसे यहाँ पे तो ये क्या है, ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको फिल करना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ेंगे। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, उनकी साइज के बेसिस पे। क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमें यहाँ पे एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जिसमें ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये क्या है, इसकी साइड्स हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्या है, फोर एंगल्स हैं। लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस, और जो लाइन सेगमेंट्स अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही हैं वो क्या है, डायगनल्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और सी ज्वाइन हो रही है, ए सी बन रहा है जो, वो क्या है, डायगनल है। बी डी एक डायगनल है। ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये वर्टिसेस है। अब पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन क्या है, क्लोज शेप है जिसमें दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होंगे। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पॉलीगन्स का साइड्स के बेसिस पे। थ्री साइड्स हैं तो ट्राइंगल है, फोर साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइडेड इज अ पेंटागन, सिक्स साइड्स मीन्स हेक्सागन एंड सेवन साइड्स मीन हेप्टागन। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, जब पॉलीगन के किसी एक साइड को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो जो एंगल बनता है उस प्रोड्यूस्ड साइड और एडजेसेंट साइड के बीच, उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बेस साइड को यहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल बनाए इस साइड से और एडजेसेंट साइड से, ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। इस तरीके हम एक्सटीरियर एंगल के बिना यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हर एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे रेगुलर पॉलीगन की, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फिगर देख लेते हैं, हमें फिगर ये किसकी गिवन है, ये हमें पेंटागन की फिगर गिवन है। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है पेंटागन का, 5 - 2 × 180 डिग्री, ये क्या होगा, 3 × 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री। एंगल ई डी जी प्लस ई डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पे ई डी जी एंड ई डी सी, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है। ई डी जी हमें 80 डिग्री गिवन है, तो हमने ई डी सी कैलकुलेट किया 100 डिग्री। अब हमने बी सी एफ एंड बी सी डी, इसमें भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये प्रॉपर्टी लगाई। हमने बी सी डी कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब पेंटागन ए बी सी डी में बात करें तो हमें यहाँ पे 40 डिग्री पता है, हमें एंगल ई डी सी पता है और एंगल बी सी डी पता है, ये दोनों एक्स हमें नहीं पता है। तो हमने देखा इन पूरे सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 540 डिग्री। सबको इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो आ गया 165 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है जिसके सिक्स साइड्स हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री अपॉन एन, 360 अपॉन 6 दैट इज 60 डिग्री। 16 साइड्स हैं तो 360 डिग्री अपॉन 16 दैट इज 22 होल 1/2 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर उसके इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का है। हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स पॉलीगन का क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 140, 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री आ गया।
नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 9 आ गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद साइड्स। अब हमें क्या करना है, रेगुलर पॉलीगन गिवन है, हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है। कैसे करेंगे, हमें साइड्स यहाँ पे गिवन है 8 साइड्स, अगर 8 साइड्स हैं तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरीके से 12 के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 12, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ये हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। फाइंड ईच इंटीरियर एंगल, अब हमें इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, तो साइड्स कितनी है 8, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं हम, 360 डिवाइडेड बाय 8, और हमें पता है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है पॉलीगन का वो 180 डिग्री होता है, तो हमें एक्सटीरियर एंगल इससे पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, हम इंटीरियर एंगल कैसे निकाल लेंगे 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल 12 के लिए एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया है 30 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री, ऐसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। अब अगर हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है 40 डिग्री है, तो आपको बताना है कि रेगुलर पॉलीगन में साइड कितनी हो। साइड कैसे निकालेंगे रेगुलर पॉलीगन की, क्या करेंगे, सिंपली 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी साइड्स होंगी इसमें, 9 साइड्स होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों एंगल्स, पहले हम इस फिगर की नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई पी क्यू, हमने नेमिंग कर लिया इसकी। अब हम देखेंगे एंगल बी ए पी एंड एंगल बी ए ई, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा, 70 डिग्री प्लस एंगल बी ए ई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 करेंगे, 180 माइनस 70 करेंगे तो ये आ जाएगा 110। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 180 माइनस 95 करेंगे, 180 माइनस 95 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 85। अब आपके पास एंगल बी भी है डी भी है, ये दोनों एंगल्स भी आपको सिर्फ एंगल वाई निकालना है, तो आपको पता है इसका टोटल सम कितना होगा, 540 के इक्वल होगा, कैसे निकालेंगे, y प्लस 140 प्लस 160 प्लस 110 प्लस 85 इज इक्वल टू 540, इसको कैलकुलेट करेंगे तो y आ जाएगा आपके पास 18 डिग्री, तरीके से इसको निकालेंगे। नाउ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और हर एंगल 90 डिग्री का है। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं, डायगनल्स इक्वल होते हैं और डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ये इसकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री के होंगे, यहाँ पे ए बी सी डी हमें एक रेक्टेंगल के बने, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, डायगनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जो एक पैरेललोग्राम है जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, तो ए बी सी डी क्या गिवन है हमें, एक रोम्बस गिवन है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट पेयर, जिसमें अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ए बी डी सी के पैरेलल है और बी सी ए डी के पैरेलल है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे और एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, इसके सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ काइट की बात करें, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अपोजिट साइड आर अनइक्वल इज कॉल्ड अ काइट। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का कैसा होगा, इक्वल, और दूसरा पेयर एडजेसेंट साइड्स का कैसा होगा, अनइक्वल, अपोजिट पेयर अनइक्वल।
एबीसीडी एक काइट है जिसमें एबी और एडी इक्वल है, बीसी और डीसी इक्वल है, बट एबी और सीडी इक्वल नहीं है। ये प्रॉपर्टीज क्या है? डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। शॉर्टर डायगनल बाइसेक्ट होती है लॉन्गर डायगनल से, तो ओबी इज इक्वल टू ओडी होता है। लॉन्गर डायगनल काइट को टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, मतलब ए ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा और एंगल डी ए ओ एंगल बी ए ओ के इक्वल होगा, एंगल डी सी ओ एंगल बी सी ओ के इक्वल होगा। ट्रेपेजियम की बात करें, क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है जिसमें पी क्यू पैरेलल टू एस आर है, पी एस और क्यू आर पैरेलल नहीं हो। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल है उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें पी एस इक्वल टू क्यू आर है। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब हमें एडजेसेंट साइड का रेशियो गिवन है 4:5, पेरीमीटर गिवन है 135 सेंटीमीटर, आपको साइड्स निकालनी है। तो हमने साइड सिलेक्ट कर ली 4x एंड 5x। पेरीमीटर क्या है? 135, जो किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, 2 × 4x + 5x, सॉल्व किया तो आ गया 7.5 सेंटीमीटर। इससे हमने निकाला 4 × 7.5 एंड 5 × 7.5, हमारे पास साइड्स आ गई 30 सेंटीमीटर एंड 37.5 सेंटीमीटर और अपोजिट पेयर्स भी इनके यही होंगे। रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के उनका रेशियो गिवन है 2:3, आपको उनका मेजरमेंट निकालना। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो गिवन है 2:3, तो हमने लेट कर लिया ए है 2x और बी है 3x। हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स आ गया 36 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमने पुट करके एंगल ए बी सी एंड डी निकाल। एक फिगर हमें गिवन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा, एक्स प्लस 4 16 के इक्वल होगा, तो एक्स आ गया 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होगा, एक्स प्लस वाई 18 के इक्वल होगा, तो वाई आ गया 6 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, एस ओ और आर ओ बाइसेक्टर्स एंगल एस एंड आर के, आपको शो करना है कि एंगल एस ओ आर एक राइट एंगल है। एंगल एस प्लस एंगल आर 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है पैरेललोग्राम के। तो हाफ ऑफ एस प्लस आर हाफ ऑफ 180 के इक्वल होगा, दैट इज 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर ओ एस आर प्लस ओ आर एस 90 डिग्री है, तो हमने ट्राइंगल ओ एस आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ट्राइंगल की, तो ये सारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। इन दो एंगल्स का सम ही 90 डिग्री है, तो एस ओ आर कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 90, दैट इज एस ओ आर क्या आ गया? 90 डिग्री, मतलब ये क्या एक राइट एंगल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रॉम्बस, आपको रॉम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। डायगनल्स की लेंथ गिवन है 10 एंड 24। डायगनल्स क्या करती है? बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पे। ओ एस आ गया 12, ओ आर आ गया 5। एस ओ आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, एस आर फाइंड किया आ गया 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 × साइड, दैट इज 52 सेंटीमीटर। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, अब हमें ए बी सी डी एक रेक्टेंगल गिवन है, हमें यहाँ पे ओ ए गिवन है 2x + 4, ओ डी इक्वल्स टू 4x + 12, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हमें पता है रेक्टेंगल के डायगनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ए सी बी डी के इक्वल होगा और ओ ए क्या होगा? हाफ ऑफ ए सी होगा, ऐसे ही ओ डी भी हाफ ऑफ बी डी होगा। ओ ए इक्वल टू ओ डी, दोनों को हमने इक्वेट किया सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है जो इक्वल होते हैं। तो 34 डिग्री प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 80 डिग्री के। वाई की वैल्यू आ गई 46 डिग्री। अब एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है पैरेललोग्राम के। तो एंगल ए आ गया यहाँ से हमारे पास 100 डिग्री।
अब एंगल सी ए के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो यहाँ से जेड भी आ गया है 100 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, सबको ऐड किया तो एक्स आ गया हमारे पास 134। तो हमने ऐसे एक्स वाई जेड सब कैलकुलेट। डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब हमें क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स की लेंथ के बिना 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे तो आपको इनके साइड्स की लेंथ बतानी है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे इस तरीके से कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री के इक्वल है, ए किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, तो ए ओ कितना हो गया 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर, बी डी किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, तो बी ओ हो गया 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई ट्राइंगल ए ओ बी में, इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, यहाँ से हमने ए बी कैलकुलेट किया तो आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो अब ए बी 5 सेंटीमीटर है तो हमने क्या दिखाया कि ए डी डी सी और बी सी भी किसके इक्वल होंगे 5 सेंटीमीटर के, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम इन सारे ही ट्राइंगल्स में निकाल के सारी साइड ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो अब हमें इन अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या गिवेन है, यहाँ पे हमें गिवेन है एक पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, एंगल एस 84 है, बाकी एक्स वाई जेड हमें निकालना है। अगर एस 84 है तो वाई भी कितना होगा 84 के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, और एक्स प्लस 84 किसके इक्वल होगा ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है पैरेललोग्राम के। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 84 दैट इज एक्स आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 96 डिग्री। अगर एक्स 96 डिग्री है तो जेड भी कितना हो जाएगा 96 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम गिवन है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 20 के इक्वल होगा, और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे इनको इक्वेट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 75 डिग्री है तो आपको रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या किया एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, इसको नेम कर देते हैं हम ए बी सी डी। देख लेते हैं हमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना गिवन है, हमें गिवन है कि एक एंगल 75 डिग्री का है, हमने लेट कर लिया कि एंगल ए है 75 डिग्री, ये है एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो हमें एंगल ए गिवन है और हमें क्या करना है, हमें एक्स y और z फाइंड आउट करना है, ये तीनों हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल y किसके इक्वल होगा 75 डिग्री के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y हमारा 75 डिग्री के इक्वल हो गया। अब हम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक्स हमें नहीं पता, वाई हमारे पास है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स कैसे निकाल लेंगे हम, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, एक्स आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री। तो अगर एक्स 105 डिग्री है तो जेड भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ऐसे इनको निकालेंगे हम, इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट साइड्स का रेशियो हमें गिवन है 3:5, तो आप इसको क्या ले लेंगे 3x ले लेंगे, इसको 5x ले लेंगे। पेरीमीटर हमें गिवन है, आप सिंपली इसकी साइड्स निकाल सकते हैं, इस तरीके से इनको करेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है,
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.